नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्लांट का पावर फैक्टर जो है ये कम हो जाए तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे और कैपेसिटर जो है उसको हम कैसे चेक करेंगे कि कैपेसिटर खराब है या ठीक है, उसे हम चेक करने के बारे में बताएंगे और उसको रिपेयर भी करेंगे। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि अभी पावर फैक्टर क्या चल रहा है दोस्तों। तो चलिए पावर फैक्टर दिखाते हैं। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों कि सामने आपके मीटर है और यहां देख सकते हैं कि 0.86 है का पावर फैक्टर। तो ये कम है, कम से कम 90 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे पावर फैक्टर को हम ठीक करेंगे और इसको 90 से ऊपर करेंगे, 97 तक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम कैपेसिटर को चेक करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा कैपेसिटर खराब है, कौन सा अच्छा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है रिएक्टिव पावर मैनेजर है, ठीक है, जो ये मीटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर बैंक को चालू करता है, बंद करता है अपने ज़रूरत के अनुसार, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं इसमें 8 बैंक है, तो इसमें 8 कैपेसिटर लगा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कैपेसिटर जो ख़राब है उसे हम कैसे चेक करेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये ख़राब है। तो चलिए मैं पीछे ले चलता हूँ पाइनल बोर्ड के पीछे। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। तो जो कैपेसिटर बैंक है यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सभी कैपेसिटर छोटे बड़े अंदर भी लगे हुए हैं। तो सभी कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, इसमें बताएंगे कैसे चेक कर सकते हैं और जो भी ख़राब होगा उसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों इस तरह का मल्टीमीटर चाहिए जो यहाँ पर एक एम्पियर चेक करने के लिए क्लैंप लगा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का मल्टीमीटर हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एम्पियर पर लगाया है, इस पॉइंट को मैंने एम्पियर पर रखा है। तो सबसे पहले सभी कैपेसिटर्स जो है ये ऑन होना चाहिए, ऑन होने के बाद ही इसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर खराब है। तो सबसे पहले ये सिंपल सा 3 वायर है, क्योंकि 3 फेज का कैपेसिटर होता है, तो तीनों वायर में हम इस तरह क्लैंप लगाकर, ठीक है, इस मीटर को लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 7.7 बता रहा है, और उसी तरह इसको निकाल कर दूसरे में लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये 9.3 बता रहा है, ठीक है, और उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि 7.7 बता रहा है, यानी इसमें तीनों फेज में बता रहा है। तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ही ओके है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा चेक करेंगे, जो दूसरा कैपेसिटर बैंक है उसको हम चेक करेंगे। तो उसी तरह इसमें हम लगाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि 5.1, और उसी तरह दूसरे वायर में इसके लगाएंगे तो यहाँ भी 4.9 है। तीसरे में लगाएंगे तो इसमें नहीं है, यानी कि इसमें का एक पॉइंट जो है ये ख़राब है। देख सकते हैं कि इसमें का एक पॉइंट ख़राब है, यानी ये जो कैपेसिटर है इसमें एक पॉइंट ख़राब है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि इसमें नहीं बता रहा, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा कैपेसिटर है और उसके दूसरे वायर में लगाते हैं, इसमें भी नहीं बता रहा, और तीसरे वायर में लगाते हैं तो इसमें नहीं बता रहा, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह ख़राब है, ठीक है दोस्तों। ये कैपेसिटर पूरी तरह ख़राब है, इसमें कोई एम्पियर नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इसे एम्पियर चेक करना पड़ता है कि ये कैपेसिटर चालू हालात में कितना एम्पियर लेता है। तो इस एम्पियर के बेसिस पे हम जानते हैं कि हम पता करते हैं कि कैपेसिटर ख़राब है या अच्छा है। तो चलिए पूरे कैपेसिटर जो ख़राब है उसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि ये 15 KVA का है, तो सबसे पहले हमें इसका लाइट काट लेना है और इसे खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैपेसिटर चेंज करने से पहले यहाँ जैसे कि सभी जो कनेक्टर है सभी का MCB भी यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। अगर 4 है 8 है तो सभी का ऑफ़ कर देंगे, तभी हम कैपेसिटर चेंज करेंगे। तो चलिए कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये नया कैपेसिटर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि 3 फेज का है और ये यहाँ इस तरह लगा होता है और साइड में स्क्रू यहाँ लगा होता है। तो स्क्रू को खोलकर इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि ये भी है, तो ये 10 KVA का है और ये 20 KVA का है। तो इसे हम वहाँ लगाएंगे
और इसको चेंज करेंगे, ख़राब जो कैपेसिटर है उसको चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये इसको सभी नट को खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी खोल लेते हैं दोस्तों। ये दूसरा कैपेसिटर भी मैंने नया लगा दिया है, ये 10 के वीर का है, तो पहले था 10 के वीर का, तो 10 के वीर का मैं लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह टाइट कर देंगे। लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्पार्क करते करते जल जाएगा और आपस में शॉर्ट कर जाएगा, इसलिए ये लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चेक कर लेंगे। बस इसके ढक्कन लगा देते हैं, और ढक्कन लगा कर इसको ऑन करके आपको इसका एम्पियर चेक करूँगा। दोस्तों कैपेसिटर दोनों इंस्टॉल हो गया है और इसका लाइट भी चालू हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कैपेसिटर मैंने लगा दिया है, अब इसको चेक करेंगे। कैपेसिटर ऑन है तो चेक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि 7.3 है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह दूसरे में लगाते हैं उसमें, तो 8.3 है। ठीक है, और तीसरे वायर में लगाते हैं उसमें 7.9 है। तो दोस्तों इसका एम्पियर ठीक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपेसिटर जो नया लगाए हैं वो बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपने जाना कि कैपेसिटर किस तरह चेक करना है और किस तरह इंस्टॉल करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पीएफ जो है ये 0.99 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ओके चल रहा है। आपको दिखा देता हूँ कि 0.99 चल रहा है। इस तरह दोस्तों बड़ी आसानी से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं और ख़राब निकाल कर अच्छा भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।